अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है आप लोग जहाँ पे भी हों अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे हों अपनी फैमिली और अपने प्यारों के साथ। तो जी, हमारे जो वेल्स के ट्रैवल व्लॉग्स हैं वो कंटिन्यू हैं और ये पार्ट 3 है। और आज जो है हमने बहुत ही प्यारी जगह पे जो है वो जाना है, ये है मैम्बल स्पेयर। ऑनेस्टली ये मुझे सबसे खूबसूरत बीच लगी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ना फिल्मों में कोई बहुत खूबसूरत बीच दिखाते हैं ना, बिल्कुल टर्कोइज कलर की और बहुत ही खूबसूरत, और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया। आज आप इसका पूरा व्लॉग देखेंगे और होपफुली आप इन्जॉय करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बताऊं कि ये जितनी खूबसूरत जगह हैं वैसे ये बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हुई हुई। एक तो लाइट कुछ कम थी, दूसरा जो है वो कैमरे में कभी भी वो खूबसूरती जो है वो नहीं नज़र आती जो ओरिजिनली नज़र आ रही होती है। तो असल में ये जगह इतनी खूबसूरत थी, इतने फ्रेश कलर्स थे, और ये पानी जो आपको थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप लग रहा है ना, ये बिल्कुल फिरोजी टाइप कलर का था, टर्कोइज, बहुत ही प्यारा। तो हम लोग जो है ये ऊपर काफ़ी पहाड़ से नीचे उतर के जाके नीचे है, और यहाँ पे पूरा कैफेटेरिया, पूरा सिटिंग जो है वो एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए जो हैं वो, बहुत सारे एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे वो आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो आप पूरा जो है वो स्काई व्यू एक ले सकते हैं, जो है पूरा वो राइड भी है जो घूम के ये जो गोल आप इसका दूर दूर तक व्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है लेकिन सब कुछ जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने सारा एरिया बनाया हुआ है, आप जहाँ जाएँ और ख़ूब इन्जॉय करें फैमिली के साथ। और यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से छोटे छोटे बीच में गार्डन्स भी बने हुए थे, और छोटी छोटी बीच में बैठने की जगह भी थी, बहुत खूबसूरत। और ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ना, ये यहाँ की पेबल स्पेयर की कॉफ़ी शॉप है, काफ़ी बड़ी है। क्योंकि शाम का वक्त था तो यहाँ पे काफ़ी रश था, अंदर भी बहुत लोग जो हैं वो डिनर भी कर रहे थे और चाय वगैरह कॉफ़ी भी पी रहे थे, और ओपन एयर में भी उनकी यहाँ पे सारी चेयर्स थी जहाँ लोग जो है वो अपना मील भी इंजॉय कर रहे थे, चाय कॉफ़ी भी पी रहे थे। हम लोग भी वहाँ पे साइड पे बैठे। वेदर बहुत अच्छा था, बादल आए हुए थे और बिल्कुल गर्मी नहीं थी, और बड़ा, और हालांकि बिल्कुल साफ समंदर था और ऐसी ठंड भी नहीं थी जो कि हमें ठंड लग रही हो। तो वेदर बहुत अच्छा था, बड़ा फाइन वेदर था, तो इन्जॉय कर रहे थे एक दूसरे की कंपनी को। और मैं समझती हूँ कि हर दिन जो है वो ज़िंदगी का अल्लाह ताला की एक नेमत है, और कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि इसको मुस्कुरा के गुजारें। हाँ, ज़िंदगी में हार्डशिप्स भी आती हैं, मुश्किलात, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, बीमारियां, सब कुछ होता है। ज़िंदगी जो है वो किसी की भी एक जैसी नहीं होती, स्मूथली नहीं चलती, अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसको मुस्कुरा के गुजारें और अल्लाह का शुक्र करके गुजारें। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ज़िंदगी एक आईना है, अगर हम इसको बेजार होके देखेंगे ना तो बेजार होते चले जाएंगे, और अगर हम इसको मुस्कुरा के देखेंगे तो फिर मुस्कुराते चले जाएंगे। और ये कॉफ़ी शॉप के बाहर का जो है वो सिटिंग एरिया, ये वहाँ से मैं अब आपको दिखा रही हूँ। इतना खूबसूरत यहाँ से व्यू था ना, और सामने जो है वो समुंदर के ऑपोजिट भी शहर का दूसरा हिस्सा था, और ऊपर पहाड़ और नीचे ये पेड़ था, और ऊपर से उतर के हम अभी नीचे आए, जो मैंने आपको भी दिखाया भी है। गाड़ियाँ ऊपर भी पार्क पहले हमने की थी, फिर हम नीचे ले आए, और बस इधर हमने कहा यहाँ पर बस आराम से बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं, और सारी फैमिली, बच्चे बड़े सब जो हैं यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर रहे थे। क्यों, और पिक्चर्स हमने यहाँ पे बहुत सारी खिंचवाई, क्योंकि जो है ना शाम का टाइम था, बहुत ही खूबसूरत जो है वो कलर्स इस वक्त जो थे ना समुंदर के थे, बहुत खूबसूरत ब्लू और बिल्कुल बहुत प्यारा, और वेदर को इंजॉय कर रहे थे। और ये जो यहाँ पर ना पूरी एक लंबी वॉक है सी फ्रंट के साथ, एक लंबी वॉक है जो कि आप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं व्यूज़ को और वेदर को
और सारी जो वहाँ की एक्टिविटीज़ हैं उनको आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे साइट पे और भी रेस्टोरेंट्स थे अगर आपने खाना वगैरह खाना हो, लेकिन हमने इधर खाना नहीं खाना था। हमने सोचा कि यहाँ से अब हम निकलेंगे और फिर शहर में यानी जो सिटी मेन सिटी है उसको देखते हुए जाएंगे और फिर हम अंदर वहाँ पे कहीं हलाल फूड जो है, अभी हमने सर्च करना था कि हमें कहीं हलाल फूड मिले तो फिर हम जो है वो वहाँ पे जाके डिनर करेंगे। फ़िलहाल जो है हम वेदर इन्जॉय कर रहे थे, तो पीछे लाइट हाउस भी आपको नज़र आ रहा है और ये देखें ये समंदर जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया, दिन में जो है वो पीछे चला जाता है, रात में आगे आ जाता है। कई जगहों पे रात में पीछे चला जाता है और दिन में आगे आ जाता है। ये अल्लाह ताला का कोई सिस्टम है कि समुंदर अपनी जगह को चेंज करता है, एक जगह पे नहीं रहता। तो ये वही जगह थी जहाँ पे अभी फ़िलहाल लहरें आती जा रही थी जो कि सुबह के वक्त नहीं थी। तो ये जो है ना ये साइड पे जो है यहाँ पे भी काफ़ी लोग नीचे उतरे हुए थे। यहाँ पे स्पोर्ट्स, सी स्पोर्ट्स होती हैं जो है वाटर स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं। आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, यॉटिंग कर सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। खैर हमने तो नहीं की लेकिन काफ़ी लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे थे। ये वो मैं पानी आपको दिखा रही हूँ जो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा था रात के वक्त, पहले काफ़ी पीछे तक था और अब आगे की तरफ आता जा रहा था। और जी मैम्बल्स पेयर को हमने किया बाय बाय और अब हम जा रहे हैं डिनर करने। और रास्ते में जो है वो हम सर्च करते जा रहे थे कि हमें कोई हलाल जो है वो रेस्टोरेंट मिले। फिर हमने एक फाइंड आउट किया टर्किश रेस्टोरेंट और उधर जाके हमने डिनर किया, बल्कि बड़े आराम से 2-2.5 घंटे रिलैक्स किया क्योंकि वहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त खाने के साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। और जनाब आराम से कहवा पिया, टर्किश म्यूज़िक को जो है वो हमने इंजॉय किया क्योंकि नेक्स्ट डे जो था वो हमारा लास्ट डे था वेल्स का। और उसकी वीडियो जो है वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट में और जनाब ऑर्डर कर रहे हैं और आराम से इधर हम बैठ गए पूरी फैमिली। काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया था। अब करेंगे डिनर और रिलैक्स करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी जो मैं हमेशा कहना भूल जाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय भी दे सकते हैं और कुछ सवाल पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी सेम माई लंडन लाइफ के नाम से है। उस पर मेरी स्टोरीज भी लगती हैं जो कि इन वीडियोस से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल की स्टोरीज होती हैं। होपफुली आप उनको बहुत इन्जॉय करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।